सोचो आप जंगल के रास्ते कहीं जा रहे हो एंड रास्ते में आपको एक सुंदर सा प्यारा सा गुलाबी रंग का फूल मिलता है। आपका मन करता है यार इसे तो मैं तोड़ लेता हूँ। आप अपना हाथ बढ़ाते हो लेकिन जैसे ही आप टच करते हो वो सुंदर सा प्यारा सा गुलाबी रंग का फूल उछल के कहीं भाग जाता है। सोचो क्या हालत होगी आपकी। आपका नहीं पता बट मैं अगर होता तो कसम से मेरी तो लग जाती। एंड यार मेरी क्या, कोई अच्छा भला इंसान डर जाए, भला फूल कभी भागते हैं? यार कोई हॉरर मूवी चल रही है क्या? कंजरिंग का कोई नया पार्ट बन रहा है क्या भाई? ना भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ट्रूथ है लेकिन एक हल्के से ट्विस्ट के साथ में। याद है आप ईशान अवस्थी का तारे जमीन पर में से वो डायलॉग कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। तो क्या आप जानते हैं कि पहली सीरीज में, चलो शुरू करते हैं कि ऐसे फूल के साथ में जो दौड़ता है भागता है उछलता है कूदता है एंड यहाँ तक कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा भी जाता है। सन 1879 में जेम्स हिंग्सली नाम के एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जब इंडोनेशिया का भ्रमण करके वापस ऑस्ट्रेलिया पहुँचे तब उन्होंने आकर लोगों को इसी अद्भुत फूल की कहानी सुनाई जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए। लेकिन हमारे हिंग्सली साहब को ये नहीं पता था कि जिसे वो एक प्यारा सा फूल समझ रहे हैं वो दरअसल उनको फूल बना रहा है, क्योंकि वो एक फूल नहीं था बल्कि था एक एनिमल किंगडम में आने वाला जीव जिसे प्रकृति ने डिजाइन किया था शिकार करने के लिए। अब बातें विस्तार से, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जिस प्रकार दुश्मन की नज़र से बचने के लिए हमारे आर्मी के जवानों की वर्दी एकदम आसपास के माहौल जैसी बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति में भी जीव जंतु खुद को शिकारियों के चंगुल से बचाने के लिए खुद को प्रकृति के रंग रूप में ढाल लेते हैं, जिसे बायोलॉजी की भाषा में मिमिक्री कहते हैं। अब इसके भी कई उदाहरण हैं पर एक कॉमन सा एग्जाम्पल है गिरगिट, जो कि प्रकृति के अनुरूप ही अपना रंग बदल लेता है। ठीक उसी प्रकार बिल्कुल गिरगिट की तरह हमारे ये प्राणी जिनका नाम है ऑर्किड मैंटिस, इस चीज़ का प्रयोग अपने शिकारियों से बचने के लिए तो करते ही हैं लेकिन इस चीज़ का इस्तेमाल करके वो शिकार भी बड़ी आसानी से करते हैं। अब मैं आपसे बात सिंपल और सरल भाषा में क्लियर करता हूँ। आपने तो देखा ही होगा कि रंग बिरंगे फूलों को देखकर अनेक मक्खियाँ मधुमक्खियाँ व अन्य कीड़े मकोड़े उनकी ओर खिंचे चले आते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा हमारे मैंटिस साहब उठाते हैं। ये कैसे? अरे भैया हमारे मैंटिस साहब की बनावट ही कुछ ऐसी है कि कोई भी उन्हें देखकर फूल समझ बैठता है और यही गलती हमारे बेचारे इंसेक्ट्स कर देते हैं और हमारे मैंटिस साहब इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाते हैं और वे फूल के वेश में लोगों को फूल बनाते हैं, वो भी इंग्लिश वाला। तो भैया जैसे ही कोई बदनसीब इंसेक्ट हमारे मैंटिस साहब को फूल समझकर उनके पास पराग पीने पहुंचता है, हमारे मैंटिस साहब उसका फूल बना देते हैं और पराग की जगह उसे पहुंचा देते हैं सीधा परलोक। तो ये रहे हमारे मैंटिस साहब जिनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग, जो हमारी पुरानी कहावतों को भी सच करते हैं कि नेवर जज अ बुक बाई इट्स कवर एंड हमेशा जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। तो ये थी मेरी पहली वीडियो, आशा करता हूँ इसके माध्यम से मैंने आपके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि तो करी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई बात हो या कुछ कहना चाहते हैं उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान की बात के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे थे ज्ञान विद आशीष।